हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेमेस्टर वन का एग्जाम 19 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी वनर्स वालों के लिए, जिनका हिंदी वनर्स है उनका एग्ज़ाम है, ठीक है। हिंदी वनर्स ही नहीं, सारा वनर्स का एग्ज़ाम है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ये हिंदी वनर्स का है, कोर वन का, ठीक है। कोर टू का हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले कोर वन का एग्जाम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी वनर्स कोर वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके पहले मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैं सेंड करूँगा, ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वन हिंदी वनर्स कोर वन में। तो देखिए, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो रेड पेन से लगा हुआ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्या कि जो रेड पेन लगा हुआ उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन अगले बार भी पूछेगा। जो टिकॉट किया गया रेड पेन से उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है, फिर टाइम बचेगा तो बिना टिकॉट वाला को पढ़ना है, ठीक है। आप लोग समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो टिकॉट किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला आप लोग यहाँ पर देखिए, काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालना, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा, आदिकालीन हिंदी साहित्य की अविभावक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें, या तो यही क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है आदिकालीन हिंदी। मतलब अगर आदिकालीन से कोई भी क्वेश्चन आता है आदिकालीन से, तो आपको यही डालना है, ठीक है, आंसर जो इसका होगा वही डालना है आदिकालीन से, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। तीसरा, सिद्ध और नाथ साहित्य के काव्य विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, जैन साहित्य का सामान्य परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा है, लौकिक साहित्य क्या है इसका सामान्य परिचय देते हुए इनकी विशेषताओं का उल्लेखन करें। छठा है, रासो काव्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेखन करें। सातवां, चंदवरदाई की साहित्य परिचय दीजिए, ठीक है। आठवां है, देखिए आठवां में ये आप लोगों को नहीं समझना है, ठीक है, आपको आठवां ही छोड़ देना है, ठीक है, आठवां आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। अभी तक मैंने कौन कौन सा बताया, तो अभी शुरुआत दिखा देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर यहाँ पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है छठा, सातवां, और यहाँ नौवां, दसवां, ग्यारहवां, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है नौवां, दसवां, विद्यापति पदावली की काव्य भाषा को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। दसवां, विद्यापति द्वारा रचित पदावली देव वंदना शीर्षक को विवेचना करें। और ग्यारहवां, विद्यापति द्वारा रचित पदावली वह संधि विशीर्षक पद की आलोचनात्मक टिप्पणी करें। टाइम मिलेगा मैं इसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन तब तक आप लोग क्या करें, जो रेड पेन से टिकॉट किया हुआ उसको सबसे पहले पढ़ ले, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।